सिन्हा अपनी यादों के पुलिंदे से लेकर आया हूं एक ऐसी याद जिसने मेरे सोचने की दिशा बदल दी थी। जिन दिनों मेरी शादी हुई थी मेरी सास दिल्ली के प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। मैं अक्सर उन्हें गर्मी सर्दी बरसात में भागते हुए स्कूल जाते देखता। एक तो सरकारी स्कूल, ऊपर से प्राइमरी स्कूल। मैं बहुत बार सोचता कि एक प्राइमरी स्कूल में अगर टीचर समय पर ना भी पहुंचे तो कौन सा तूफान आ जाने वाला है। एक आध दफा तो मैं उनके घर गया होता और वो मेरे जागने से पहले ही स्कूल जा चुकी होती। डाइनिंग टेबल पर मेरे लिए आलू के पराठे, लस्सी, चटनी सब ताजा बनाकर वो सुबह सुबह स्कूल चली जाती थी और दोपहर में घर आती। एक तो ससुराल, दूसरे पंजाबी ससुराल। मेरे पल्ले आज तक ये बात नहीं पड़ी कि पंजाबी लोग तले हुए पराठे के ऊपर मक्खन क्यों लगाते हैं। मक्खन के साथ फुल साइज ग्लास में मलाई मारकर लस्सी और दोपहर के खाने में पनीर की सब्जी पर इतना जोर क्यों देते हैं। मैं तो शुरू शुरू में इस बात पर हंस हंस कर पागल हो जाता था कि आखिर दोपहर के खाने में माह की दाल, राजमा, पालक पनीर, मटर पनीर और शाही पनीर के बिना पंजाबियों की मेहमान नवाजी अधूरी क्यों रह जाती है। और इसका नतीजा ये हुआ कि शादी में मैं जो कुल 62 किलो का था, शादी के साल भर के बाद 74 किलो का हो गया। लगने को तो दिल्ली वालों को पानी भी लग जाता है, मैं तो सीधे सीधे ससुराल का घी पी रहा था। खैर, आज की कहानी ससुराल की सेवा गाथा नहीं सुना रहा। आज कहानी का सारांश इस तरह है कि मेरी सास बिना नागा किए, देर किए रोज स्कूल पहुंचाती थी। उस सरकारी स्कूल में जिसे सरकार भी सीरियसली नहीं लेती थी। जिस स्कूल को स्कूल का चपरासी तक सीरियसली ना लेता हो, उस स्कूल में मेरी सास ने कभी बिन बताए छुट्टी नहीं ली, कभी देर से नहीं पहुंची। एक दिन अपनी सास को मैंने बताया कि मेरे स्कूल में ओम प्रकाश मास्टर कई बार नहीं आते थे तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। फिर आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई को इतनी गंभीरता से क्यों लेती हैं? एक आध दफा देर हो जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। वैसे भी सरकारी स्कूल में कौन सी पढ़ाई होती है जो इतनी माथापच्ची की जाए। मेरी सास ने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मुझसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ कि उस ओम प्रकाश मास्टर के बच्चे अब क्या करते हैं। मैंने दिमाग पर बहुत जोर डाला। फिर मैंने बताया कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी बड़ी बेटी 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई थी, फिर उसकी पढ़ाई छूट गई। बेटा भी ठीक से नहीं पढ़ पाया तो छोटा मोटा कोई काम उसने पकड़ लिया। मेरी सास ने कहा, उन सभी मास्टरों को याद करो जिन्होंने अपने काम को ईमानदारी से अंजाम नहीं दिया। मेरा मतलब पढ़ाई में कोताही बरती, बच्चों को पढ़ाने की जगह स्वेटर बुनने या घर के काम करने में समय खर्च किया या ट्यूशन आदि पर अधिक ध्यान दिया। मैंने फिर दिमाग पर जोर डाला। पंडित मास्टर जी की याद आई। संस्कृत पढ़ाते थे, पढ़ाते क्या थे, बातें बनाते थे। बच्चों से कद्दू, पपीता, केला बतौर उपहार लेकर कॉपी में नंबर दिया करते थे। उस पंडित मास्टर की बेटी पता नहीं क्यों 6ठी के बाद ही स्कूल छोड़ गई थी। बहुत बाद में पता चला कि उसकी शादी हो गई थी पर पति ने उसे भी छोड़ दिया था। फिर एक एक कर मैंने बहुत से मास्टरों को याद किया। उन मास्टरों को भी याद किया जो सचमुच बहुत ईमानदारी से पढ़ाते थे, जिन्होंने कभी बेवजह नागा नहीं किया। याद आया, गणित वाले पारस नासिक मास्टर का बेटा तब इंजीनियर बनकर अमेरिका चला गया था जब अमेरिका का दरवाजा सबके लिए नहीं खुला था। हिंदी वाले उपेंद्र राय के मास्टर की बेटी तो मेरी आंखों के आगे ही डॉक्टर बनी थी। मैं अपनी यादों में डूबा था। मेरी सास ने मुझे टोका, कहां खो गए बेटा जी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने मास्टरों को याद कर रहा हूँ। मेरी सास ने कहा, क्या याद किया? यही कि ओम प्रकाश मास्टर के बेटे ठीक से नहीं पढ़ पाए। संस्कृत के मास्टर की बिटिया का भी यही हाल था। पारसनाथ सिंह और उपेंद्र मास्टर की कहानी भी मैंने उन्हें सुनाई। मेरी सास मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि मैंने इसीलिए आपको याद करने को कहा था। जो मास्टर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, दरअसल किस्मत उसके साथ खिलवाड़ कर देती है। जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है या जो बच्चे स्कूल में सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी करें तो काम चल जाएगा, उनका अपना काम अटक जाता है। अक्सर ज्यादातर शिक्षक के बच्चे ही नहीं पढ़ पाते। मैंने एक भी दिन बच्चों के साथ बेईमानी नहीं की, मेरी सास ने कहा। उन्होंने कहा कि देख लो मेरी दोनों बेटियां पढ़ाई में कैसी निकली। मेरी दोनों बेटियां स्कूल कॉलेज में टॉप करती रहीं। मतलब ये कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जो अपने काम को ईमानदारी से अंजाम नहीं देते, उनके साथ जिंदगी कब बेईमानी कर बैठती है पता भी नहीं चलता। पता नहीं कहां कहां से ठंड में, गर्मी में, बरसात में बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते हैं, माँ बाप की मुराद पूरी करने आते हैं। उनके अनजान भविष्य से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मेरी सास ने कहा कि बेटा जी, आपके सवाल का जवाब इतना ही है कि मैं हर रोज समय पर स्कूल सिर्फ इसलिए जाती हूँ ताकि किसी बच्चे की उम्मीदें अधूरी ना रह जाएं, ताकि मेरे बच्चों के भविष्य के साथ कोई मास्टर या मास्टरनी खिलवाड़ न करे। जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, उसे हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। काम वही सफल होता है जो पवित्र भाव से, संपूर्ण मनोयोग से किया जाता है। मैं स्कूल समय पर जाती हूँ ताकि जो पैसा घर आए वो तन और मन दोनों को लगे। अपनी सास की बात को सुनकर मुझे याद आया कि मेरे पिताजी भी मुझसे कहते थे कि पैसा कितना कमाया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसा कैसे कमाया है। ये जिंदगी की छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही उपयोगी बातें हैं, बहुत ही उपयोगी जानकारी है। मैं ऐसी यादों को जिंदा रखता हूँ क्योंकि हर कदम पर
इनकी जरूरत होती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊंगा यादों के पुलिंदे से कुछ खास स्पेशल लेकर। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।